जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों? ये जो भर्ती है साथियों, ये है राजस्थान आशा सहयोगिनी सीधी भर्ती 2023। जी हाँ दोस्तों, बिना परीक्षा होगी भर्ती, बिना परीक्षा। केवल और केवल आपका जो चयन है वो मूल्यांकन के आधार पर होगा। सभी को पता है ऐसे ही होता है। इसमें तो राजस्थान में जो महिलाएं जिस मूल स्थान की निवासी हैं, जहां की ये भर्ती निकल रही है, वहीं की आवेदन कर सकती हैं। जी बिल्कुल, संपूर्ण जानकारी देंगे। नए जिले की नोटिफिकेशन जारी हुई है, संपूर्ण डिटेल से बताएंगे एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। आवेदन ऑफलाइन है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन आवेदन है, यानी कि इमित्र पे जाओगे, फॉर्म नहीं भरवा पाओगे। ठीक है दोस्त, 5 अगस्त है इसकी लास्ट डेट। कितनी है? 5 अगस्त से पहले पहले यदि आपका फॉर्म ठेठ स्थान पर पहुंच जाता है तो आपका मान्य हो जाता है, नहीं पहुंच पाता तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल महिलाओं के लिए है, पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो भी पुरुष वीडियो देख रहे हैं, तो आपके घर में भी माता बहने हैं, पत्नी है आपकी, जो भी है बहने हैं, उनके लिए आप बहुत बेस्ट है, उनके फॉर्म भरवा सकते हैं आप। ठीक है जी बिल्कुल। योग्यता मात्र 10वीं पास है। 10वीं पास जो भी महिलाएं हैं फॉर्म भर सकती हैं। एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और एससी एसटी में जो महिला है, विधवा है, तलाकशुदा है, विकलांग महिला है, उनको 5 साल की छूट दी गई है। यानी कि वो 45 साल की भी यदि हैं तो फॉर्म भर सकती हैं, लेकिन वो एससी एसटी हो, विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो न्यायालय द्वारा जो तलाक प्रमाण पत्र मिला वो, विकलांग है तो 40% की विकलांगता का प्रमाण पत्र हॉस्पिटल से बना है वो लगाना पड़ेगा, फिर आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, और हर जिले की नोटिफिकेशन में हर बात अलग अलग आती है, तो इसमें आई है कि भाई कुंवारी लड़की फॉर्म नहीं भर सकती है, शादीशुदा जो महिला है वही फॉर्म भर सकती है। बिल्कुल, जो भी महिला शादीशुदा है वो इसमें फॉर्म भर सकती है, और उसका विवाह पंजीयन भी बनवाना पड़ेगा। फॉर्म कहाँ से लेना है, कहाँ पे देना है, ये भर्ती कहाँ की है जी, ये तो बता दो। आंगनबाड़ी की भर्ती है, आशा सहयोगिनी की, कहाँ पे भर्ती निकल रही है? ये है अलवर जिले की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर अलवर जिले की आई तो बताना, अलवर जिले की आई तो बताना। लो जी आ गई है अलवर जिले की भर्ती। आप भी फटाफट से फॉर्म लगा दीजिए, अभी आपके पास समय है। 5 अगस्त लास्ट डेट है, हम आपको पहले ही सूचना दे रहे हैं, ताकि हड़बड़ाहट ना हो, अफड़ताफड़ ना हो, भागा दौड़ ना हो, तसल्ली से अपने काम करवा सको। ठीक है, अब देखो फॉर्म कहाँ मिलेगा सब कुछ बता देंगे। अब सुनो, इसमें घर में आपके शौचालय होना चाहिए और उसका नियमित उपयोग होना चाहिए। इसका घोषणा पत्र भी लगेगा कि भाई मेरे घर में शौचालय है और उसका नियमित उपयोग किया जा रहा है। ऐसे नहीं हो कि शौचालय तो बना रखा है, अब बाहर है ताड़ा, अंदर है जाड़ा, मकड़ियों का है माहौल, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा हो, अरे बाल्टी भर के डाल दो, एक आदमी सफाई कर दो उसकी, बस हाँ भाई ठीक है, सही है। ठीक है, और हाँ, जाति प्रमाण पत्र की बात करूं, 3 साल पुराना नहीं चलेगा। जाति प्रमाण पत्र आपका 3 साल तक का है तो चल जाएगा, उससे ज्यादा पुराना है नहीं चलेगा, इसमें पहले ही बता रखा है। चयन कैसे होगा? मूल्यांकन से होगा। चयन कैसे होगा? मूल्यांकन से। अब मूल्यांकन में क्या नंबर मिलते हैं? योग्यता तो 10वीं पास है, ठीक है, योग्यता तो 10वीं पास है, लेकिन जो महिला जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है उतने ही उसके नंबर मिलेंगे। जो भी डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखे हैं, उनको सबको ठोक दो, लगा लगा फोटोकॉपी और सबको लगा दो, तो आपको नंबर मिलेंगे, इससे आपका सिलेक्शन होगा, इससे समझ रहे हो। अब देखो, 12वीं पास हो तो 1 नंबर मिल जाएगा, स्नातक हो तो 1 नंबर मिल जाएगा, स्नातकोत्तर हो तो 2 नंबर मिलेंगे। अब कुछ महिला कहेंगी, सर मेरे तो 12वीं भी है, स्नातक भी है, स्नातकोत्तर भी है, तो मेरे तो 1, 2, 3, 2, 4 नंबर हो गए जी सीधे सट। अरे ऐसे थोड़ी होंगे 4 नंबर। आपकी लास्ट की मार्कशीट कौन सी है,
स्नातक की है तो एक नंबर मिल जाएगा, स्नातकोत्तर है एमए एमएससी एमकॉम जो भी हो तो दो नंबर मिल जाएंगे, बीए बीएससी बीकॉम जो भी हो तो एक नंबर मिलेगा, बारहवीं तक ही पढ़ी लिखी हो तो एक नंबर मिल जाएगा, बीएसटीसी भी कर रखी है कोई महिला दो नंबर मिल जाएंगे, कोई बीएड कर रखी है उसको दो नंबर मिलेंगे, कोई एएनएम नर्सिंग होती है वो कर रखी है तो तीन नंबर मिलेंगे, जीएनएम किसी ने कर रखी है तो चार नंबर मिलेंगे, और नर्सिंग कोई भी हो उसके नंबर मिलेंगे, चाहे आयुर्वेदिक नर्सिंग हो कोई सी भी नर्सिंग हो आपने कर रखी है आपको लगाना पड़ेगा उसकी फोटोकॉपी। आरएससीआईटी का डिप्लोमा यदि किसी के पास है कंप्यूटर का सीधा एक नंबर मिल जाएगा, और बीपीएल भी कार्ड है किसी के पास, बीपीएल राशन कार्ड जिसमें बीपीएल नंबर होते हैं उनको भी नंबर मिलेंगे, और जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र है जो भी महिला आंगनबाड़ी में पहले काम कर चुकी हो संविदा पे या स्थायी रूप पे किसी भी प्रकार से काम कर चुकी हो, अनुभव हो चुका हो उसको एक साल का या दो साल का जो भी है, तो वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना उस आंगनबाड़ी से जिसमें आपने काम किया, सीधा चार नंबर मिलेगा, सीधा चार मौज हो जाएगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स तो वही है आपके मार्कशीट डिग्री डिप्लोमा जो भी है, आधार कार्ड जन आधार कार्ड मूल जाति विवाह पंजीयन ये आपको लगाने हैं, इन सब की ये जो डिग्री डिप्लोमा है इन सब की और जो मूल जाति आधार कार्ड है इनके सब की करवाओ फोटोकॉपी, उस पर करो सिग्नेचर, और इसका जो फॉरम है वो फॉरम लो, फॉरम कहाँ मिलेगा, फॉरम मिलेगा आपको देखो भर्ती कहाँ कहाँ है, रिक्त पद चल रहे हैं कहाँ कहाँ चल रहे हैं, आंगनबाड़ियों में कहाँ कहाँ खाली पद हैं हमें बताओ सर, बिल्कुल बताएंगे आपकी सुविधा के लिए ही तो हम आए हैं। ठीक है, आपको सब कुछ बता देंगे कहाँ कहाँ पद खाली चल रहे हैं, वहां से आपको फॉर्म लगाना है। सबसे पहला मैं ब्लॉक बताता हूँ, ये तो है ब्लॉक और ये है आंगनबाड़ी केंद्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बानसूर, जी हाँ ये कौन सा चैनल है, बानसूर रोजगार है, और इसी की तहसील है ये बानसूर, ये बानसूर तहसील है, इसी में आपकी जो हॉस्पिटल है उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं, भाई डॉक्टर है ना वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तो यहाँ पे आपको जाना है, जो भी महिलाएं बानसूर की हैं यानी कि जो भी महिलाएं बानसूर तहसील की हैं वो अपनी बानसूर हॉस्पिटल में जाओ, वहां फॉर्म मिलेगा और वहीं जमा करवाओ। ठीक है, अब आंगनबाड़ी बता दें आपको कहाँ कहाँ खाली सीट है, नाथूसर में है, सांथलपुर में खाली सीट है, आलनपुर में खाली सीट है, चतरपुरा में भी खाली सीट है, बाबरिया में भी खाली सीट है। ठीक है ना, बिल्कुल, ये तो हो गई अपनी बानसूर तहसील की। ठीक, अब बात करेंगे बहरोड की, बहरोड में खाली पद है वार्ड नंबर 7, बहरोड का वार्ड नंबर 7 है उसमें आंगनबाड़ी है उसमें खाली पद है, फॉर्म भर सकती है जो बहरोड की महिला है। खेडली की बात करें, खेडली में पद खाली हैं, कांकरोली में पद खाली हैं, रिंगसपुरा में पद खाली हैं, खेडली के वार्ड नंबर 9 उसमें पद खाली हैं, सोखर का वार्ड नंबर 5 उसमें पद खाली है, निठारी में पद खाली है, जो भी महिला खेडली की हैं वो फॉर्म लगा सकती है। किशनगढ़ बास में भी पद खाली हैं, जो भी महिला किशनगढ़ बास की है वो फॉर्म लगा सकती है। चामरोदा में पद खाली हैं, पीला थला में पद खाली हैं, सेंटर का बास पद खाली हैं, बेड़ा का बास में पद खाली हैं, खानपुर का वार्ड नंबर 3 उसमें पद खाली है, कारोली का वार्ड नंबर 5 उसमें पद खाली है, नवेला का बास, इनमें पद खाली हैं, जो महिला किशनगढ़ बास की है वो इनमें सब में फॉर्म लगा सकती है जहां आपको सुविधा हो वहां। ठीक है, और एक बात बता दूं, विधवा और तलाकशुदा महिला भाई ये जो महिलाएं हैं ये बोले कि सर हम कहां से भरें फॉर्म, हम ससुराल से भरें या फिर हम पीहर से भरें, तो हम कहां से भरें, देखो आपको छूट है, चाहे आप ससुराल से भरो चाहे आप पीहर से भरो आपको छूट है। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ससुराल में पद खाली ज्यादा हैं,
तो ससुराल से फॉर्म भर दो, यदि ऐसा लगे कि मेरे तो पीर में ज्यादा पद खाली है तो पीर से भर दो, आपका फायदा होना चाहिए। जब सरकार ने आपको छूट ही दे दी है तो आपको फायदा लेना चाहिए, जहां आपको पद खाली ज्यादा लगे ना वहां फॉर्म लगाओ आप, ठीक है ना। अगला देखो कोट कासिम, कोट कासिम में भी पद खाली चल रहे हैं, इकरोटिया आंगनबाड़ी के अंदर है, इकरोटिया में वहां पद खाली है। कोट कासिम की जो भी महिलाएं हैं इकरोटिया में फॉर्म भर सकती हैं, कोट कासिम में भी फॉर्म भर सकती हैं। लक्ष्मणगढ़ में पद खाली है, सजनपुरी में पद खाली, बझेड़ी में पद खाली, रामबास में पद खाली, जो भी महिलाएं लक्ष्मणगढ़ की हैं फॉर्म लगा सकती हैं। मालाखेड़ा में पद खाली है, कलसाड़ा का वार्ड नंबर 2, कलसाड़ा का वार्ड नंबर 2 पद खाली है, सुमेल का वार्ड नंबर 2 पद खाली है, रामनगर में भी पद खाली है, मालाखेड़ा में है रामनगर, वहां की जो महिलाएं हैं फॉर्म लगा सकती हैं। मुंडावर, मुंडावर में भी पद खाली है, शहजादपुर द्वितीय, भाई ये द्वितीय लिख रखा है, देखो वहां पे हो सकता है 2 शहजादपुर हो तो ये द्वितीय है शहजादपुर, इसमें पद खाली है। पलावा में भी पद खाली है, ठीक है, मुंडावर की महिला फॉर्म भर सकती हैं। राजगढ़ की जो महिलाएं हैं वो भी फॉर्म भर सकती हैं। पीलपारा ढाणी, पीलपारा की कोई ढाणी है उसमें पद खाली है। ऊपरला गुवाड़ा, ऊपर लोग वाड़ो अपनों, उनमें भी पद खाली, ठीक है, बढ़िया नाम है ऊपरला गुवाड़ा, ऊपरला गुवाड़ा। अगला पद है रामगढ़, रामगढ़ में भी पद खाली है। गोलकी, गोलकी में आंगनबाड़ी है उसमें पद खाली है। रैणी, रैणी में भी पद खाली है, माचाड़ी का वार्ड नंबर 2 पद खाली है। पिनान है, पिनान का वार्ड नंबर 4 में आंगनबाड़ी है उसमें पद खाली है, फॉर्म लगा सकते हो। तिजारा, तिजारा में भी पद खाली है। दमदमा, दमदमा में पद खाली है। बंदापुर में पद खाली है, बंदापुर, और खलीलपुरी का वार्ड नंबर 1, खलीलपुरी का वार्ड नंबर 1 इसमें भी पद खाली हैं। अब आपको फॉर्म कहाँ मिलेंगे, जैसे कोई भी महिला, कोई भी माता बहन मुख्य चिकित्सा अधिकारी बानसूर, जैसे बानसूर तहसील है अलवर जिले की, इस बानसूर तहसील में जो भी महिलाएं रहती हैं निवास करती हैं उनकी पंचायत समिति बानसूर है, तो वो बानसूर के हॉस्पिटल में आओ, ठीक है, और वहां आकर के क्या करो, फॉर्म लो। किससे लो, यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, ठीक है ना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे संपर्क करो कि सर ऐसे ऐसे आंगनबाड़ी की भर्ती निकली हुई है, आशा सहयोगिनी की भर्ती निकली हुई है, हमें फॉर्म दो, तो जो आपको फॉर्म देगा वही फॉर्म जमा करेगा, इस बात का ध्यान रखना। आपको फॉर्म भी यही मिलेगा और जमा भी यही होगा, ठीक है ना। जो भी तहसीलें बहरोड हो, खेड़ली, किशनगढ़, कोटका, शिमला, मालाखेड़ा, मुंडावर, राजगढ़, रामगढ़, रैनी, तिजारा, जो भी तहसीलें हैं इन सभी तहसीलों की जो भी महिलाएं यहाँ की निवासी हैं वो अपनी अपनी तहसीलों में जाओ और अपने अपने जो भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं हॉस्पिटल के उसमें जाके फॉर्म लेके आओ, उसको भरो, फोटो फाटो चिपकाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओ, फोटो कॉपी सबकी, और उसमें पैक करो लिफाफे में और फिर जमा यहाँ करवा दो इनको ला करके, ठीक है। ये है बात कंप्लीट, और ये जो भर्ती है ये मैंने बताई दी, अलवर जिले की है, कोई समस्या नहीं है। 5 अगस्त लास्ट डेट है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, 5 अगस्त के बाद में आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, इससे पहले पहले आपको जाना है और फॉर्म लेना है और जमा करवाना है भर करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम आपके साथ शेयर की जाती है एकदम आसान और एकदम सरल भाषा में, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। जो भी महिलाएं कमेंट कर रही थी कि सर अलवर की आई तो बताना, तो बिल्कुल हम आपको बता चुके हैं, अब आपकी आपका काम है आगे का, आप करो अपना काम, हम कर चुके अपना काम, ठीक है। तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।